जो जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी जो धरने पे बैठे हैं ना, सरकार को इनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी जिला परिषद के कर्मचारी जो धरने पे बैठे हैं ना, जमनी स्तर का कार्य, पंचायत लेवल का कार्य सारा इनके द्वारा होता है। सेक्रेटरी है, जेई है, टीए है, क्योंकि जो भी सरकार का जो भी प्लान या जो भी काम धरातल पे उतारना है तो पंचायत के थ्रू होता है, और पंचायत में सेक्रेटरी और टीए और जेई का होना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे सरकार से भी, क्योंकि सरकार जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने पिछली बार सीएम साहब जो भी हमारे मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने खुद पिछली बार कर्मचारियों से मिलकर एक आश्वासन दिया था कि यदि हम सत्ता पे आते हैं उसी दिन आपको सरकार में लेंगे। तो हम चाहेंगे कि वो अपनी इस बात पे कायम रहे और इन कर्मचारियों को जिला परिषद से अपने सरकार में विलय करें। पंचायत में हर तरीके की परेशानी हो रही है। अब अभी आपदाई, बहुत बड़ी आपदाई, लोगों ने काम चढ़ाने, अभी 2 अक्टूबर को जो ग्राम सभा थी नहीं हो पाई पूर्ण, लोग आए वहाँ कुछ भी नहीं था। एक सेक्रेटरी जो पूरा साल का जो प्लान लिखता है नहीं थे, किसी की ड्यूटी लगाई है उन्हें इस चीज का पता नहीं, जैसे सिलाई सेंटर वाली कर्मचारियों को लगाया था, उन्हें इस चीज का पता नहीं है कि क्या क्या इसमें प्लान में डाला जाता है। ये तो एक सरकार ने 2 अक्टूबर का करने के लिए किया था कि 2 अक्टूबर की ग्राम सभा पूरी करनी, नहीं हो पाई, कई जगह पूरी हुई है कई जगह नहीं हो पाई, तो पूरा जो विकास का कार्य ठप हो गया। आज प्रधान संघ आपको समर्थन देने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हिमाचल मोटा विकास खंड के प्रधान अध्यक्ष श्री देवराज नेगी जी के नेतृत्व में मोटा विकास खंड का जो संघ हमारे साथ हमारी मांग को हमारे समर्थन में आया, हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इनकी तरफ से सरकार जल्दी ही मांग को अपने सुनेगी, वह हमारी मांग को पूरा करेगी। और मैं इसके साथ आपको एक बात यह जरूर कहूंगा कि एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा।